शुरू अल्लाह के नेम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर क्लब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डीप लर्निंग की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक मास्क RCNN के बारे में। CNN फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला मास्क RCNN, इसको टोटली प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये तीन सवाल आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन तीनों सवालों का जो जवाब है वो आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि व्हाट इज़ मास्क RCNN, कि मास्क RCNN है क्या। तो मास्क RCNN बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN, उसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंट सेगमेंटेशन एक मॉडल है, यानी कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंट सेगमेंटेशन मॉडल है जो कि इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आखिर में मास्क लगा के उसे वाजिया करके आपको दिखा देता है। ये कहलाता है हमारा मास्क RCNN। तो CNN की फैमिली में जितने भी CNN फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले और भी मॉडल हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है फास्ट RCNN, फास्टर RCNN, और काफ़ी रिसर्च के बाद फेसबुक की टीम ने, फेसबुक की जो अपनी रिसर्च टीम है उसके अंदर कैमिंग ही जो है, उसने ये 2017 में मास्क RCNN जो है वो इन्वेंट किया। इससे पहले वाले जो भी मॉडल थे CNN के वो ऑब्जेक्ट डिडक्शन बेस्ड थे, यानी कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेते थे, हर इंस्टेंस को अलग से डिटेक्ट नहीं करते थे। लेकिन ये जो मास्क RCNN है, किसी भी इमेज के अंदर, मतलब कि जिस भी डाटा सेट पे उसे तैयार किया हुआ है, तो उसमें जो है अगर आप सेपरेटली इंडिविजुअली हर एक को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मास्क RCNN बहुत एक्यूरेट और एफिशिएंट मॉडल है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता चलूँ कि ये कैसे जो है डिटेक्ट करके उसके ऊपर मास्क लगाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये आपको सामने एक पिक्चर मैं दिखाऊंगा। तो ये पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है कि एक पिक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी कार्स हैं। तो वो जो आपको कार नज़र आ रही हैं उसके ऊपर जो है मॉडल को तैयार किया हुआ है, मास्क RCNN की ट्रेनिंग की हुई है, और साइकिल, एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है, और इधर इसके बास्केट्स हैं, इसके पास साइकिल को लगी हुई हैं। तो इन सब को देखे उसने डिटेक्ट करके, ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स के मास्क नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर, उन्होंने मास्क लगा के, जिस तरह किसी भी टेक्स्ट को अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो इसी तरह से उस ऑब्जेक्ट्स को इसने क्या डिटेक्ट करके उसके ऊपर मास्क लगा दिया। तो ये तो था मास्क RCNN, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश की। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का सिंपल मतलब पता ही है कि किसी भी इमेज, किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, कि किसी भी इमेज के अंदर वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लें, मास्क RCNN ने आपको वही बताया, इमेज के जितने भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो किस लोकेशन पे मौजूद हैं, ये चीज़ भी सारी नुमाया हो गई, और उसने बता दिया कि ये डिटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं, ज़रा मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाउ डू आई यूज़ मास्क RCNN, कि मास्क RCNN को इस्तेमाल कैसे करते हैं या ये कैसे काम करता है। तो ये आपको जनाबे अली सामने एक फ्रेमवर्क, एक इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है जो कि गूगल कोलैब है, और इसके अंदर जो है मास्क RCNN इन्फेरेंस डॉट आई पाई NB, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये सामने जो इन्वायरमेंट है, ये फाइल आपके सामने खुली हुई है, इसके अंदर ये सारी कोडिंग मौजूद है, मॉडल ट्रेन कैसे किया हुआ है, किन किन इमेजेस के ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, वो सारी आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ टू वर्क मास्क RCNN, मतलब कि काम कैसे करते हैं। तो आइए ज़रा ये गूगल कोलैब का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं हम। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इजीली जो है इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो रहा है अभी कुछ ही सेकंड्स में, ये जो है मुकम्मल तौर पे जो है कनेक्ट होकर इनिशलाइज हो जाएगा। तो ये इनिशलाइज हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम। तो यहाँ पे देखें आपको यानी कि ऑटोमेटिकली सर्वर की तरफ से आपको इतनी स्टोरेज मिल गई है, यानी कि आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे लिमिट नज़र आ रही है, हार्ड डिस्क मिल गई है और साथ में आपको रैम भी उतनी मिल गई है और ऑटोमेटिकली GPU पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप तो चलते हैं अब इसको हम, ये सामने आपको कोड नज़र आ रहा है, तो GIT git clone ये इसकी एक फाइल है, यहाँ से इसको करते हैं रन। तो ये जितनी भी इसको पहली लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद अभी कुछ ही लम्हे में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए जितनी भी उसकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें चाहिए मॉडल को रन करने के लिए वो यहाँ पे हो चुकी हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपोर्ट OS फाइल्स यहाँ पे करनी है और सिस्टम फाइल्स जो है लाइब्रेरी जितनी भी हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। और यहाँ पे देखिए एक पाथ सेट हुआ है मास्क RCNN का, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अलहदा से फोल्डर है और यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये अगला स्टेप जो है वो ये है कि NumPy, SciPy, Willow, Python, ये सारे जो है यहाँ पे लाइब्रेरीज मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद हैं, और यहाँ पे इसका वर्जन है TensorFlow का वर्जन और यहाँ पे Keras का वर्जन, ये यहाँ पे 1.3.0, 2.0.8 ये करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है pip install content mask RCNN डॉट टेक्स्ट की फाइल है, इसको यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूट, चलाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये सारे रेडी हो गई हैं, ठीक है, और सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई हैं, कलेक्ट हो गए पैकेज सारी सक्सेसफुली। नेक्स्ट जो है आपकी देख ले इंपोर्ट रेंडम मैथ इंपोर्ट, ये फाइल है यहाँ पे, ये जो कि वर्जन को डिस्प्ले करेगी, यहाँ पे 2.7.0 ये वर्जन आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये नहीं आना चाहिए, जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए। यहाँ पे मॉडल भी इससे मतलब कि रन नहीं करेगा ठीक से, तो यहाँ पे इसको अभी शक, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देख लें, यहाँ पे मिस्टेक आएगी मॉडल की तरफ से, और ये देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे इंपोर्ट मास्क RCNN मॉडल में एरर आ रहा है। तो इसके लिए जो नया वर्जन है हमारा पाइथन का वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्जन आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोड का सेगमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं इम्पोर्टेंट नए वर्जन के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उनको। तो यहाँ पे ये कुछ लाइंस का यहाँ पे कोड है, इसको यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया और इसको यहाँ पे कर देते हैं रन, लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन इस ये एरर नहीं आना चाहिए। तो ये एरर क्यों आ रहा है, तो इसके लिए सिंपल काम ये करना है कि इसके शुरू में जो है एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो पुटअप कर देना है। ये एक्सक्लेमेशन का साइन पुटअप किया है, पुटअप करने के बाद इसको फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में इसको हो जाना चाहिए, बल्कि हाँ ये देखिए अब जो वर्जन हमें चाहिए था वो आ गया, और ये जो है सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया। तो ये जो फाइल हैं ये यहाँ पे हो गई हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और हमें यहाँ पे कोड एंटर करना है, ठीक है। तो इसमें
तो जब तक ये कोड भी एंटर नहीं करेंगे तब तक भी इस मॉडल में एरर ही आता रहेगा। इनको एंटर किया और इसको यहाँ पे करते हैं रन, तो ये जैसे ही रन किया तो इसमें भी एरर आ गया। तो इसमें भी जब भी हमने पिप की कमांड लगानी यहाँ पे करनी है, तो इसके शुरू में भी हम देंगे एक्सक्लेमेशन का मार्क्स, ये दे दिया एक्सक्लेमेशन का, फिर यहाँ पे भी दे दिया और फिर यहाँ पे भी दे दिया। तो अभी यहाँ से हमने कर देना है इसको फिर से, और ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जितना जो भी वर्जन चाहिए था वो यहाँ पे हो गया है इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉल। ये हो गया है, पैकेजेस सारे जो हैं यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम ज़रा मॉडल की तरफ। ये मैंने मॉडल को यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन 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 इसमें भी अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी देखते हैं। हाँ तो ये देखिए एरर रिमूव हो गया यहाँ से। अब ये जो है सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है जितने भी जो भी हमें वर्जन चाहिए था। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब ये जो मैं एक और आपको अहम बात बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने एक फाइल में आपको बताया था कि तीन क्वेश्चंस हैं, इनके यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कि पहला जो है कि मास्क RCNN क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ हाउ डू आई यूज़ मास्क RCNN, मास्क RCNN हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो मॉडल है ये तैयार किया गया है, इसकी जो ट्रेनिंग की गई है वो की गई है कोको डेटा सेट के ऊपर। कोको डेटा सेट एक जर्नल डेटा सेट बनाया गया है तकरीबन, जिसके अंदर हर किस्म की इमेज जो है मेरे ख्याल में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इमेजेस इसके अंदर डाली हुई हैं, और इसके ऊपर मतलब कि इसको ट्रेन किया गया है। तो ये मॉडल जो है आपने देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास इन्फेरेंस कॉन्फ़िगरेशन, कोको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे है क्रिएट मॉडल ऑब्जेक्ट इन इन्फेरेंस मोड, ठीक है, ये भी सक्सेसफुली हो गया। और इसके बाद अब जिन जिन क्लासेस के ऊपर ये ट्रेन किया गया है कोको डाटा सेट में, जो जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी, ये PG है, पर्सन, बाइसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन, बस, ट्रेन, ट्रक, बोट, ट्रैफिक लाइट, फायर हाइड्रेंट, स्टॉप साइन, पार्किंग मीटर, बेंच, बर्ड, कैट, डॉग, ये सारे आपको यहाँ पे जितने भी ये नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर ये ट्रेन किया गया है। तो ये इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसको रन करते हैं। रन करने के बाद जनाब अली अब यहाँ पे इम्पोर्ट टाइम, अब यहाँ पे इमेज देनी है हमने, इनमें से जितने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी इमेज अगर आप दें तो इस मॉडल को उस इमेज को डिटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये इमेज है नहीं, लेकिन इसकी जगह कोई और हम यहाँ पे दे के देखते हैं इमेज। ये मैं इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ और ये फोल्डर है, इसको यहाँ से इमेज देते हैं। ये यहाँ से कोई भी रैंडमली हम एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जनाबे अली मेरे पास रेड, सपोज हम मैं इसको देता हूँ एक ये वाली इमेज, जी काइट है, तो मेरे ख्याल में काइट जो है वो भी इसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो हो चुकी है डाउनलोड। ये इमेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट साइड पे इमेज आपको यकीन नज़र आ रही होगी, ये है काइट की। तो अब कोडिंग में देखते हैं कि ये जो काइट है ये मौजूद है यहाँ पे, मतलब कि इसके ऊपर इसको ट्रेनिंग दी हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ पे देख लेते हैं, जी जी बिल्कुल, ये देखें ये काइट जो है इसमें मौजूद है। इसको यहाँ से इसका करते हैं पाथ, कॉपी करते हैं इसका पाथ। कॉपी करने के बाद हम ले आते हैं जी इसे यहाँ पे, वो जो पाथ दिया हुआ था इस पाथ की जगह पे हम कर लेते हैं इसको
यहाँ पे अब मैं ये इसके पाथ दे दिया है, तो ये अब यहाँ पे इसको कोई ना कोई जो है, ये आप देखिए सामने देख सकते हैं, इसको यहाँ पे काइट जो है वो उसको डिटेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इसमें आ गया है एरर। एरर क्या आया है? एरर इसके अंदर जो आया है, लोड रैंडम इमेज फ्रॉम द इमेजेस फोल्डर। तो ये इसका एरर दे रहा है, ये एरर जो है इसको रिमूव करते हैं। और कैसे कर रहा है, क्या एरर आया अभी देख लेते हैं इसे। लेकिन काइट के अलावा कोई और पिक्चर देख के देखते हैं हम उसे करता है या नहीं करता। चले काइट के अलावा हम कोई और इमेज इसको देते हैं, अभी भी पता चल जाएगा कि ये उसको प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है मास्क आर सी एन एन के नाम का, इसके अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं, ये बाईसाइकिल की पड़ी है, तो बाईसाइकिल का भी हमने देखा था। चले जी इसको कर लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड, और ये आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका पाथ करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद जनाबे अली इसे देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे बात देते हैं इसका ऐसे। अब इसको करते हैं यहाँ पे रन, तो देखते हैं कि इसको ये करते हैं नहीं, इसका भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, अभी देखते हैं क्या इशू है, मैं चेक करता हूँ। लो जी ये अभी दोबारा इसे सेट करके दोबारा इसे रन किया है, तो ये इमेज थी एक आपके सामने जो डाउनलोड की, तो अभी कुछ ही सेकंड में ये रिज़ल्ट आएगा, प्रोसेसिंग हो रही है, एक इमेज है, प्रिडिक्ट करेगा, उसके ऊपर मास्क लगाएगा, मास्क लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, देखते हैं क्या आता है, रिज़ल्ट आ पाता है कि नहीं आ पाता, अभी प्रोसेसिंग जा रही है इसकी। तो ये देख लें जनाबे अली, ये बाईसाइकिल की एक इमेज थी, और उसके ऊपर ये एक रेड कलर का आपको एक मास्क नज़र आ रहा है, ये मास्क जो है उसके ऊपर आ गया। तो देख लें मॉडल के अंदर जो है बाईसाइकिल जो है ये यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेन हुआ हुआ है बाईसाइकिल के ऊपर। तो इसी तरह ये बाईसाइकिल बाईसाइकिल और कितनी देर में इसका रिजल्ट आया, 24.32, ये इतने सेकंड में जो है इसका रिजल्ट आया। तो जनाबे अली अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है ये रिजल्ट आईडी स्कोर्स रिजल्ट्स उनको भी जो है यहाँ पे कर लिया ट्रेन। अब जो है नेक्स्ट एक और यहाँ पे इमेज प्रिडिक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब जो है एक मैंने और की थी ये वाली इमेज, इसका यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ पाथ, और इस जगह पे जो है इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब इसको चलाता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये भी प्रिडिक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होना चाहिए, तो भी पता चल जाएगा ये इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। एक इमेज है मॉडल इमेज, शेप इसकी कितनी है ये शेप भी बता रहा है, और कितना टाइम ले रहा है। एंकर बॉक्सेस भी इसके ऊपर बन गए, एंकर बॉक्सेस होते हैं एक बाउंड्री टाइप, एक मतलब बाउंड्री टाइप बाउंड्री बना के उसके ऊपर फिर ये मास्क लगाता है। और मास्क कैसे बनता है कि आपकी कोई भी इमेज होगी जिसके ऊपर मास्क लगाना है, मास्क वाले एरियाज के ऊपर जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और उसके इर्द गिर्द में 0 वैल्यू हो जाएगी। तो अभी ये देखें आपके सामने, ये काइट था, ऊपर साइकिल था और ये काइट था। तो काइट मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर मौजूद है हमारे, तो इसने अभी जो है काइट को जो है सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया है। तो ये आपने काइट देखा है, काइट को इसने तो एक पूरी इमेज बैकग्राउंड जो है इस टाइम यहाँ पे बैकग्राउंड की वैल्यू जो है वो बाइनरी वो 0 है, और काइट के ऊपर इसने मास्क क्रिएट किया है ब्लू रंग का, ये जो है इसके यहाँ पे वैल्यू जो बाइनरी के वो 1 है 1 है, और ये जो आपको डॉटेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है एक्चुअली ये है एंकर बॉक्सेस, इन्हें ही कहते हैं एंकर बॉक्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब ये इसकी जो टाइम इसके लिए जो लगा है वो 22.98, और ये इसको रन करके अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास आ गए एक और, यहाँ पे डालते हैं एक और इमेज, यहाँ पे डालते हैं इसको। मैं आपके सामने ही यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, ये एक मेरी इमेज है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे डाल रहा हूँ, और पिक्चर डाल के ये आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो जनाबे अली अभी ये यहाँ पे हो रही है, डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, जैसी होती है तो हम फिर इसका यहाँ पे पाथ कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जनाबे अली, हाँ तो जनाबे अली ये एक पिक्चर है यहाँ पे, ये अपलोड हुई यहाँ पे। अब इसका मैं यहाँ पे करता हूँ पाथ कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो इस कमांड को करता हूँ मैं यहाँ से रन। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। अभी इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है, तो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगी तो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो ये देखिए जनाब अली, ये इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, और कुछ ही देर में जो है रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। अब ये टाइम ले रहा है। एक्चुअली इमेज जो थी वो थोड़ी सी इसका साइज़ बड़ा था, जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है, और उसके ऊपर मास्क लगाएगा, मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, पर्सन के ऊपर भी मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर इमेज में पर्सन भी कोई हुआ, आदमी भी हुआ, तो उसको भी ये डिटेक्ट करके उसके ऊपर मास्क लगा देगा। तो इस इमेज के ऊपर है, तो अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। दरअसल पिक्चर का साइज़ जो था वो बड़ा था काफ़ी। लो जनाबे अली, ये अभी इसकी प्रोसेसिंग होगी ये कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद मैंने ये एक अपनी नेशनल स्टेडियम कराची में एक तस्वीर बनाई थी, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर नेशनल स्टेडियम में। तो इसमें ये देखें वो सक्सेसफुली इसने जो है इमेज सेगमेंटेशन, इंस्टेंट सेगमेंटेशन इसने की है बिल्कुल। इसने जो एक पिक्चर में जो पर्सन है उसको इसने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया है, और इसके साथ साथ उसने दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किया है, कैप जो है, कैप कैप के ऊपर उसने अलहदा से इंस्टेंट सेगमेंटेशन एक्चुअली मास्कार सीएनएन करता है ना, तो कैप को भी उसने मतलब कि डिटेक्ट किया है। इस तस्वीर में कैप एक अलहदा इंस्टेंस है, मेरी पिक्चर को उसने अलहदा डिटेक्ट किया है, और उसमें रेड कलर का मास्क लगा दिया है, कैप के ऊपर ब्लू कलर का लगा दिया। इसी तरह उसने साइड पे एक दरख्त ट्री टाइप जो है उसने पौधे को भी डिटेक्ट किया, और उसके ऊपर ग्रीन मास्क लगा दिया, और ये आपको जो डॉटेड लाइन आ रही है ये उसने बाउंडिंग बॉक्स लगाए हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह एक और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक और यहाँ पे ये इसने टाइम एक्चुअली कितना लिया, टाइम काफ़ी ले लिया था, क्योंकि ये ऑनलाइन इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाता था इंटरनेट स्पीड की वजह से, जिसकी वजह से टाइम लगा। तो अब यहाँ पे है एक और, इसको यहाँ पे करते हैं रन, करते हैं इसको यहाँ पे, एक और यहाँ पे है, इसको रन करते हैं इसी तरह, लेकिन ये रन हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे इमेज का पाथ नहीं दिया, यानी कि एक इमेज के अंदर काफ़ी जो है इंस्टेंस हैं उन सब को इसने यहाँ पे अलहदा अलहदा से यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं जितने भी उसको ऑब्जेक्ट्स नज़र आए हर एक के ऊपर उसने अलहदा अलहदा से मास्क लगा दिया। ओके, तो नेक्स्ट अब चलते हैं ज़रा, इस ब्लॉक को हम रन करते हैं, रन करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, और ये जो है इसमें इमेज मौजूद नहीं है, अलबत्ता मैं एक आपके सामने यहाँ से डाउनलोड करता हूँ इमेज, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये एक इमेज है, मैं अपनी ही इमेज है एक, उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, बल्कि मेरे बाबा की है, उनको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। अभी आपके सामने ये है, ये मैंने डाउनलोड की, और इसका मैंने यहाँ से किया पाथ कॉपी, कॉपी पाथ,
बात कॉपी करने के बाद जनाबे अली ये मैंने लगा दिया, पेस्ट किया और अब इसको मैं करता हूँ रन। तो रन ये हो रही है, अभी देखते हैं कितना टाइम लेती है। ये टाइम ले रही है, उसकी सारी चीज़ें फीचर्स उसके निकाल रहे हैं, क्योंकि CNN है ना, तो डीप लर्निंग का एक मॉडल है और उसको क्या है, डीपली उसको एनालाइज़ कर रहा है, फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उनके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स लगाएगा, फिर उसको अगर डिटेक्ट हुआ तो फिर वो उसके ऊपर मास्क लगाएगा। और तब तक एक और यहाँ पे इमेज हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये देखें, अब इसमें मैंने अपने बाबा की फ़ोटो लगाई थी, तो देखें वो बिल्कुल उसने सही से प्रिडिक्ट कर लिया है, इसके ऊपर मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड हुआ हुआ है। तो ये उसके जो हैं रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, मतलब कि क्लास ID array 1 टाइप इंट ये आपको सामने। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे मैं इमेज लगाता हूँ, बल्कि एक मैं अपनी ही इमेज एक और लगाता हूँ, उसके अंदर टाई भी, टाई वाली की पिक्चर। तो उसको यहाँ पे मैं आपके सामने ये देखें, ये लगा दें, ये तस्वीर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये जनाबे अली, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ के बाद जनाबे अली इसको मैं करके यहाँ पे अब इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रन। इसको जैसे ही रन किया तो आपके सामने इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखिए जनाब अली, इसने भी यहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल सही से, बल्कि दो बंदों को, दो तीन चीज़ों को इसने प्रिडिक्ट किया है, मेरी टाई को भी प्रिडिक्ट किया है और जिस जिसके ऊपर ये कोकोसा ट्रेंड हुआ हुआ है, और हर के ऊपर इसने डिफरेंट मास्क लगा दिए। ये एक ही पीछे भी खड़ा था मेरा बंदा, उसको भी इसने यहाँ पे कर लिया है, मास्क लगा दिए। तो इन सब को इसने जो है बारी बारी यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है और 23 सेकंड टोटल इसने जो है वो टाइम लिया। तो ये था दोस्तों मास्क RCNN, आपने देखा प्रैक्टिकली कि ये काम कैसे करता है। चलिए ऐसा करते हैं, एक और मैं एक कोई इमेज लेता हूँ यहाँ पे, इसी में देख लेते हैं जिसके ऊपर ये ट्रेन हुआ हो। चलो यहाँ पे कोई एक क्लॉक मैं आपके सामने डाउनलोड करता हूँ, क्लॉक की इमेज, और उस क्लॉक को प्रिडिक्ट करवाते हैं, क्लॉक को प्रिडिक्ट करवाते हैं कि आया कि क्लॉक जो है ये उसको सही से करता है या नहीं करता। चले ये है ये क्लॉक, इसको यहाँ पे हम करवाते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा जिसकी थोड़ी चिड़ी हुई है इसको करवाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जनाबे अली, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इमेजेस, और इमेजेस में अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड। ये जनाबे अली आ गई इमेजेस, ये यहाँ पे हो गई डाउनलोड। अब इसका पाथ कर लेता हूँ यहाँ से मैं कॉपी, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करके बिल्कुल आखिर में जाते हैं। यहाँ पे जो है एक हुआ हुआ, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद जनाबे अली यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं रन। तो जनाबे अली कुछ ही देर में ये जो है यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह, और तब तक
नहीं, अभी तक कोई इसने आंसर नहीं दिया, क्या वजह हो सकती है इसमें। बल्कि ये काफ़ी डिले हो गया, तो दोबारा ये रन टाइम कह रहा है कि रन टाइम जो है इसको चेंज किया जाए। तो जनाबे वाली ये अभी रन हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्लॉक है इसने सक्सेसफुली इसे कर लिया यहाँ पे प्रिडिक्ट, और काफ़ी टाइम, दरअसल थोड़ी सी कोडिंग में एरर था इस वाले ब्लॉक में, तो उसको मैंने ठीक करके ट्रबल शूट किया और इसे मैंने यहाँ पे किया है। तो ये रिज़ल्ट है जनाबे वाली, ये आप देख सकते हैं ये सारे ये रिज़ल्ट से, और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट, हम एक और यहाँ पे मैं आपको करवा के एक और ब्लॉक करते हैं यहाँ पे रन। सॉरी, पाकिस्तान रेलवे। लो जी जनाबी आली, ये आखिरी एक तजर्बा आपके सामने, मास्कार सीएनएन का यहाँ पे कॉपी पात की है, और रेलवे की एक मैंने तस्वीर लगा पिक्चर लगाई है, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मॉडल इसके ऊपर ट्रेंड हुआ हुआ है, तो इसको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर कि यहाँ पे इसको ये प्रिडिक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। अभी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आपके आ जाएंगे, अभी ये प्रोसेसिंग पे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में अपने पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, और अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो आप वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं, और जो भी आपके दूसरे फेलोज हैं प्लीज़ काइंडली उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ये देखें जी, रेलवे ट्रेन जो है वो उसने भी प्रिडिक्ट कर लिया है सक्सेसफुली ट्रेन को भी, और 23 सेकंड के अंदर हमारी जो है ये रिज़ल्ट आ गया। तो ये देखिए कितनी चीज़ें मैं आने आप लोगों को यहाँ पे प्रिडिक्ट करके दिखाई हैं, और आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी पिक्चर भी प्रिडिक्ट, उसके ऊपर भी मास्क लगाया है, मेरे वाले साहब की पिक्चर उसके ऊपर भी मास्क लगा के दिखाया है, ये भी मास्क लगा हुआ है, एक और मेरी पिक्चर उसके ऊपर भी मास्क लगा हुआ है, और ओवरऑल कोडिंग जो है ये आप लोगों के सामने है, और आप देख सकते हैं ये साइकिल है, साइकिल के बाद जनाबे वाली ये सारा मॉडल है इसके अंदर, ये सारी की सारी कोडिंग है इसकी। तो आई होप सो कि आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ये पूरी फैमिली इसकी सीरीज़ लेके हाज़िर होऊंगा सीएनएन की। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पता चलेगा कि मुझे फीडबैक इस वीडियो से आपकी तरफ से आएगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फिर मैं आगे इसकी पूरी फैमिली फास्ट RCNN फास्टर RCNN के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।